Hello everyone, let's learn English in a very very simple way. Everybody wants to speak in English, but English bolne ke liye sabse zyada zaruri kya hota hai, that is confidence. Agar aap confidence se bolenge to hi aapki English achhi lagegi. Lekin confidence kaise aayega? Confidence tab aayega jab aapko malum ho ki aap jo bol rahe hain wo sahi bol rahe hain. अगर आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ और सामने वाला उसको सुन के हंसेगा, देन यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश. ओके, तो बिल्कुल छोटी छोटी सी चीजें लेकर के हम चलते हैं और आप धीरे धीरे उसको ट्राई करें समझने की, और जब आपको समझ में आएगा एंड देन स्पीकिंग लॉट, रीडिंग लॉट, एवरीथिंग विल हेल्प यू ओके इन स्पीकिंग. सो नाउ the first basic concept what I'm going to take is today it is articles. Everybody knows what are articles, a, an, and the, and how we are using it, that I'm going to explain to you. And because maine dekha hai bahut bade bade log bhi samajh nahi pate a and an ka difference kahan par kya lagega, kya use hoga. Sabse pehle hum a aur an ki baat karenge. A aur an kahan use hote hain? ए और एन यूज होते हैं काउंटेबल नाउन से पहले. जो हम चीज, जो हम नाउन, एनीथिंग वट एवर वी कैन काउंट. ओके, एंड इट शुड बी सिंगुलर, वन सिंगुलर. ओके, इट शुड बी वन थिंग, वन आउट ऑफ मैनी. अगर एक चीज की बात करते हैं बहुत सारी में से, देन वी कैन यूज ए और एन. जैसे कि बॉयज, बॉयज वी कैन काउंट, देर आर 10 बॉयज, 20 बॉयज, 30 बॉयज, 5 बॉयज, सो आउट ऑफ देम वन, वन बॉय. तो वन बॉय, देन वी कैन यूज ए बॉय. देन एवरीबडी नोज दैट इन फ्रंट ऑफ वॉवल्स, बिफोर वॉवल्स, वॉवल्स आर ए ई आई ओ यू. इन फाइव वॉवल्स से पहले हमें एन का यूज करना है. बट इसमें भी बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं बच्चे, बहुत मिस्टेक्स करते हैं. और वो क्या मिस्टेक्स होती हैं कि हमें सिर्फ स्पेलिंग नहीं देखनी होती है. जस्ट नॉट गो फॉर द स्पेलिंग that the word starts with a sound, a or e or i or o or u, and then you are using an. It should not be like that. What you have to do is आपको वो word को बोलना है, pronounce करना है. जब आप pronounce करते हो तो आपको ये समझ में आता है कि word कौन सी sound से start हो रहा है. तो आपको वो sound देखनी है. जैसे कि sound सम हिंदी में करते हैं, स्वर हिंदी में करते हैं, अ आ ई ऊ ए. ओके, ये सारे जो स्वर हैं, तो इंग्लिश में भी वही स्वर आपको चेक करने हैं. अगर वर्ड स्वर से स्टार्ट होता है, वी आर कमिंग टू हिंदी नाउ, दैट अगर एक वर्ड हिंदी लाइक हिंदी स्वर से स्टार्ट होता है, स्पेलिंग डज नॉट मैटर, जस्ट इग्नोर दैट, बट द प्रोनाउंसिएशन शुड बी परफेक्ट, एंड देन यू शुड नो, यू शुड बी एबल टू रिकोगनाइज दैट द वर्ड स्टार्ट विद साउंड. इफ द वर्ड स्टार्ट विद स्वर साउंड, okay, then you have to use an before that. And if the word starts with a consonant and a vyanjan sound, okay, then you will be using a before that, right? Like these are a few examples here. A unit, unit, u, u is vowel, but even then we are using a. Why? Because the sound is not of swar. U is not the sound of a swar. Okay, स्वर अ आ ई ई होते हैं. यू तो व्यंजन में आता है. ओके, तो हम यहाँ पर अ यूज करेंगे, एन यूज नहीं करेंगे. अब एन आर, आर इज द स्वर, अ साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इससे पहले एन यूज करेंगे. देन अगेन इट कम्स यूरोपियन सिटी, यू, य किस में होता है? य तो व्यंजन है. ओके, तो ऑल्दो इट इज स्टार्टिंग विद अ वॉवल, बट एक साउंड किसकी आ रही है? स्वर की नहीं आ रही है, व्यंजन की आ रही है. देन वी विल यूज ए. एन एल शेप गार्डन, एल एल, एल इज कॉन्सोनेंट, बट हम एल से पहले एन यूज करें क्योंकि उसकी साउंड ए है, ए ए आ रही है, ए ल एल, तो ए साउंड आ रही है, तो हम उसमें एन यूज करेंगे. नाउ एम इज अगेन अ कॉन्सोनेंट, but we are using an before that. An m a student, m a a, it is again m is starting with a m m, so a is swar, so then we are using an. A university student, university, u, u is again
व्यंजन, ठीक है, ईयर साउंड तो अ यूज होगा। तो आपको देखना है कि कैसे इसका हाउ अ वर्ड इज स्पोकन एंड नॉट हाउ इट इज रिटन। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। ट्राई डूइंग सम एक्सरसाइजेस एंड देन यू विल कम टू नो। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन जस्ट पुट इट ऑन द चैनल, YouTube channel, and then I will reply for that.